बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल का भाईचारा सम्मेलन शुरू हुआ है। मुजफ्फरनगर में आयोजित यहां पर भाईचारा सम्मेलन में भारी भीड़ बताई जा रही है। अखिलेश जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद यह सम्मेलन प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में भाईचारा सम्मेलन ये शुरू। ये तस्वीरें हम आपको मंच की दिखा रहे हैं जहां पर आज तमाम कार्यकर्ता सपा और आरएलडी के यहां पर मौजूद रहे। जाट गुजर मुस्लिम सैनी समाज के सैकड़ों लोग पहुंचे। सम्मेलन में मौजूद लोकदल व सपा 2022 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेंगे। इसी के साथ अभिषेक बसपा ब्राह्मण सम्मेलन के बाद रालौद का ये भाईचारा सम्मेलन हो रहा है। तो भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन में लोकदल के कई बड़े नेता मौजूद हैं और खतौली के श्रीराम गार्डन बैंक्वेट हॉल में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो नए समीकरण को तैयार। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद अब मुजफ्फरनगर में एक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है लोकदल के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी जो इस भाईचारे सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ भाईचारे को मजबूत करना है। राष्ट्रीय लोकदल जाति व्यवस्था की बात नहीं करती, किसान की बात करती है, किसान की लड़ाई लड़ती है। तो राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ किसान और भाईचारे को मजबूत करने के लिए ये हमने भाईचारा सम्मेलन का आयोजित किया। तकरीबन कितने किसान या फिर कितने आसपास के अन्य जो संगठन है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्षेत्र के खतौली विधानसभा के सब जिम्मेदार 127 गांव हैं और हर गांव से यहाँ व्यक्ति मौजूद है, हर जाति का व्यक्ति मौजूद है और इसीलिए ये भाईचारा सम्मेलन है। यहाँ समस्त भाईचारा हर जाति का आदमी उपस्थित है। यहाँ इस सम्मेलन से एक मैसेज जाएगा कि पूरे क्षेत्र का, पूरे प्रदेश, पूरी विधानसभा का किसान, इस जनपद का किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ऊब चुका है। अब की बार वोट की जोर देकर राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेगा, जयंत चौधरी को मजबूत करने काम करेगा। हमारे नेता जयंत चौधरी है, हम सब किसान हैं, कोई जाति में नहीं बटेंगे। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पर नए समीकरण को लेकर देखिए तैयारी। भाईचारा जिंदाबाद के मंच पर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर रालौद और सपा के कार्यकर्ता। इसी के साथ यहाँ पर भारी भीड़ भी, यहाँ पर सैनी और कश्यप समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बैंक्वेट हॉल में सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर 2022 के चुनावों को लेकर यहाँ पर ब्राह्मणों को, पश्चिमी ब्राह्मणों को लेकर कैसे अपने पाले में हमें आगे की रणनीति के तहत लाना है उसको लेकर भी चर्चा, और इसी के साथ यहाँ पर 22 के चुनावों को लेकर भी तैयारी फिलहाल की जा रही है। तो आज से ये शुरुआत भाईचारा सम्मेलन की हो चुकी है। 27 जुलाई है आज इसी की शुरुआत की गई है। इससे पहले जयंत चौधरी इसी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब दोनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर यहाँ पर चुनावी बुगल फूंकती और यहाँ पर सम्मेलन के जरिए अपने पाले में यहाँ पर कुछ जातियों को लाने की कोशिश की जा रही है। तो 22 का चुनाव नजदीक है, 6 से 7 महीने का समय यहाँ पर बचा हुआ है। उसी बीच से अब अपने अपने तरीके से सम्मेलनों के आयोजन से पार्टियां अपने खेमे में लोगों को लाना शुरू कर रही है। तो फिलहाल तस्वीरें जहां पर समीकरण को तैयार। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन अब वहां पर मौजूद है, सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन इसी के साथ भीड़ जो है वो किस तरफ अपना रुख दिखा रही? बिल्कुल शिवांगी, आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त अब 2022 का जो चुनाव है उसकी समीकरण की तैयारी शुरू हो गई है और रालोद का खतौली के श्रीराम गार्डन बैंक्वेट हॉल में एक मुस्लिम भाईचारे के साथ साथ सभी 36 बिरादरियों का एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम दिया गया है कि भाईचारा सम्मेलन। इस सम्मेलन में तकरीबन भारी भीड़, चाहे वो किसान हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जाट हो। तो सचिन से हमारे संपर्क टूट चुका है, दोबारा उनसे बात करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सम्मेलन आज शुरू हो रहा है। सचिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन आप अपनी बात को पूरा कीजिए, किस तरीके से आज सम्मेलन में लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनने को मिल रही हैं? शिवांगी आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव का जो बिजुल है वो बज चुका है और जिस तरह से 2 दिन पूर्व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दिल्ली में मुलाकात हुई, उसके बाद पहले तो जो बसपा था उसने अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो उसी के तुरंत बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में अब लोकदल ने एक भाईचारा सम्मेलन आयोजन किया है। इसमें 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो मौजूद है और तकरीबन भारी भीड़ यहाँ लोगों की मौजूद है और अभिषेक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोकदल के, उनके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने साफ तौर से एक आह्वान किया है कि 2022 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बनाएंगे और समस्त एकजुट होकर
इस बार ये वोट करेंगे। जी जी सचिन, यहाँ पर मंच से तमाम बातें कही जा रही होंगी, फोकस यहाँ पर पश्चिमी ब्राह्मणों को लेकर भी होगा, 22 के चुनावों को लेकर भी होगा, और क्या बातें यहाँ पर सामने आई हैं अभी तक? देखिए, कहीं ना कहीं 2013 में जो सांप्रदायिक दंगे मुजफ्फरनगर में हुए थे, उससे कहीं ना कहीं जो भाईचारा था वो बट गया था। यही लोकदल का एक उद्देश्य है, यही बात कह रहे हैं कि अब भाईचारा बनाना है और ये भाजपा सरकार को हटाकर अब गठबंधन की सरकार लानी है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। तो ये मंच से सिर्फ एक ही निशाना साधा जा रहा है कि अब 2022 के चुनाव में जो कमर है वो सपा और लोकदल ने कस ली है, और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में यह इस तरह के सम्मेलन, चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन हो, चाहे वो जाट सम्मेलन हो, चाहे वो मुस्लिम सम्मेलन हो, इस तरह के सम्मेलन आयोजन हो। नजर बनाकर रखिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया।